एमपी के हरदा उड़ान सोशल फाउंडेशन सोसाइटी संस्था ने मेधावी मुस्लिम छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन हाजी अब्दुल अहद खान के बंगले पर किया, जहां मुस्लिम समाज के 60 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने मुस्लिम समाज के उन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम लाकर जिले और प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का नाम रोशन किया है। साथ ही उन लोगों को भी सील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ खेल और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर समाज का, देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। सम्मानित की गई छात्रा जोहरा खान ने कहा कि मैंने हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क को चुना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता का नाम रोशन हो रहा है। ये उड़ान सोशल फाउंडेशन की तरफ से तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई करने के लिए और उनको सही गाइडेंस देने के लिए, इसी तरह उनके माँ बाप ने जिन्होंने सपोर्ट करके उनको इस तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया, उनकी इज्जत अफजाई के लिए, इसी तरह समाज के जिन लोगों ने तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में और दूसरे मैदानों के अंदर अच्छी कामयाबी हासिल की, उन सब की हौसला अफजाई के लिए आज का प्रोग्राम उड़ान सोशल फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। ये प्रोग्राम रखा, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है यहाँ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम से, आप देख सकते हैं, और मुझे उसके साथ सर्टिफिकेट और दो ट्रॉफी मिली है। मुस्लिम कम्युनिटी में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है 90% के साथ। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, रिलेटिव सबको, कजिन्स को, सबको मैं देना चाहती हूँ कि IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ जी। मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, इंशाल्लाह सबको ही आगे मिलेगा ऑफिसर, पर सब आगे बढ़े प्लीज़। बहुत कम लोग रहते हैं जो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। हम लोग के स्कूल में ही, मैं स्कूल कैबिनेट में हेड गर्ल हूँ सेंट मेरी क्वाइट स्कूल हरदा में, हमारी कैबिनेट में 24 कैबिनेट्स रहते हैं, उसमें मैं इकलौती मुस्लिम हूँ जो हेड गर्ल की पोस्ट पे गई हूँ। टीचर्स भी बहुत अच्छे, आगे टीचर्स ने बहुत हेल्प करा हम लोग को आगे बढ़ने में। मैं हरदा ज़िले के जितने भी छात्र हैं मुस्लिम कौम के, उन्हें यहाँ से आज सम्मानित किया गया था, जिसमें सबसे पहले स्कूल लेवल था जिसमें 60% से अधिक लेकर 70 से 80, 85 और 90% तक जिन बच्चों ने अंक हासिल किए हैं, 10th और 12th CBSE प्लस MP बोर्ड के बच्चों को आज यहाँ से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल के अलावा किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ ज़िले का नाम रोशन किया है, आज उनको भी यहाँ से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जिन लोगों ने कोर्स आलिम हाफिज़ का, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, काफ़ी स्पेशल और एक कठिन कोर्स हुआ करता है, उन्हें यहाँ से उड़ान सोशल फाउंडेशन के नाम से यहाँ से सम्मानित किया। आज यहाँ पर बच्चा 60% का बैठा था, एक बच्चा वो भी था जिसने 90% हासिल किया गया था। तो जब 60% बच्चा हासिल कर सकता है परसेंट, तो जब वो देख रहा है कि 90 वाले को जो ट्रॉफी मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, किस तरीके से सम्मान मिल रहा है, तो मुझे भी आगे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे देश के लिए कुछ करना चाहिए, पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में मैं अच्छा बेहतर कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लगभग लिस्ट हमारे पास कंप्लीट थी जिसमें 60 से ऊपर जो बच्चों को यहाँ से सम्मानित किया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।